ये देखो गाइस, विराट निपल पी रहा है। 5 साल का हो गया ये, अभी निपल पी रहा है। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको हैप्पी दशहरा, विजयदशमी की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं आपके आपके परिवार को। सो, आज मैं जाऊंगा बाहर। विजयदशमी का जो त्यौहार मनता है, रावण फूंकते हैं और झांकी निकलती, वहाँ पे जाऊंगा मैं आज देखने और ब्लॉग बनाने। सो आप सब मेरे साथ रहना वीडियो में और मिलते हैं गाइज वहाँ पे। ये देखो गाइज, विराट निपल पी रहा है। 5 साल का हो गया ये, अभी निपल पी रहा है। 6 का हो गया है और ये मम्मी लेटी इधर। जैसे मैंने बोला ये निपल पी रहा, उसने बहुत तब रख दिया। वो गया भाई लूडो खेलने। गाइस मैं आ गया वहाँ पे जहाँ पे रावण दहन होना है, और ये देखो अभी मेले की शुरुआत हो चुकी है। ये यहाँ पे डीजे का सेटअप लग रहा है। ये गाइस देखो, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं। ये देखो गाइस, क्लोज सेट पूरा। आगे जाने की परमिशन नहीं हुई, पर मैंने बना रहा हूँ आगे जाके। टाइम है 7 बजे का, 5 का, 5 का शायद 7 तो बज जाएंगे। ये देखो पूरा व्यू। अभी से पों पों की आवाज़ शुरू हो गई बच्चों की। गाइस अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी मैं अपनी फैमिली के साथ आऊँगा। बट अभी जब देखना बहुत भीड़ हो जाएगी, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। ये पूरा देखो, ये हमारा स्कूल है, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, हम भी इसमें पढ़े थे। पूरा ये देखो, पूरा 360 व्यू से दिखा दिया। ये कितना बड़ा ग्राउंड है स्कूल का। हेलो, हमारे गांव के सरदारी जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, वो भाई अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो सर ये काम प्रोग्राम के लिए तो काम होगा। सुरेश भाई हैं ये। मैं अपनी रामलीला कमेटी के डायरेक्टर साहब प्रहलाद सिंह का और हमारे नौजवान कलाकारों का, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा सहयोग किया उन्होंने हमारी रामलीला कमेटी में, और ये आवाज सुन रहे हैं जितने भी हमारे रामलीला कमेटी के कलाकार हैं, वो ग्राउंड में पहुंचे और हमारे नवी ग्राउंड खाली ओम प्रकाश बोले अपने साउथ से हैं ये भाई भी अपने, और मैं पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। जी हमारे भाई है पवन भाई, डीजे वाले पवन डीजे साउंड। हमारे यहाँ पे जो थाना है उसकी फोर्स भी आ चुके हैं यहाँ पे, इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कैसे क्या करना है, यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल कैसे करना है। हमारे प्रशासन भाई जो भी है काफी देर से आ रहे हैं यहाँ। पुलिस वाले भाई अंदर जा रहे हैं, अपनी अपनी जगह संभालेंगे जाके। देख ले, मैनेजमेंट के लिए डिस्कशन हो रही है कौन वहाँ पे खड़ा होगा पुलिस वाला।
होती है, मुख्य अतिथि वही है। हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग वो आकर रावण दहन प्रोग्राम को संपूर्ण करते हैं। कोई विशेष अतिथि नहीं है, हमारे तो विशेष अतिथि गांव कादीपुर की अपनी सरदारी है। ये मेले के लिए भी आ गए हैं बेचारे अपने ही, कुछ इनके भी कमाई हो जाएगी यहाँ पे। तो दुनिया में कौन पूछेगा राव भाई बुजुर्ग जरूर हो गए हमारे 57 साल के, आज भी आवाज में दम है। देखिए जिस भाई के भी ये व्हीकल खड़े हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि ग्राउंड से बाहर ये व्हीकल कर दें। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं, जिस भाई के भी ये व्हीकल खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी, ये सारे बाहर कर दे भाई प्लीज। ऑर्डर है हमारे SHO साहब और DSP साहब भी आए हुए हैं भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये सब गाड़ियां बाहर कर दे भाई प्लीज यार, बाहर लगा के आ जाए। काफी पार्किंग है बाहर, आप देखो स्कूल के चारों तरफ कितनी ही गाड़ियां आप खड़ी कर लो, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, पार्किंग पूरी है। और अगर आपको पार्किंग ना मिले तो ये अपने सेक्टर 10 की एंट्री है बाबा रतनदास के सामने, वो पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है, वहां लगा के आ जाओ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गाड़ी अपने ग्राउंड में कोई ना रहे भाई प्लीज। ये व्हाइट कलर ग्रैंड आइटन किसकी है भाई प्लीज यार? अरे साहब लोग आ रहे यार, तुम समझे करो भाई, थोड़ी बाहर ले जाओ गाड़ियों को भाई प्लीज। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुला ली है, अभी से ही पब्लिक आ रही है, अपनी अपनी जगह लेके बैठी है, बाद में फिर जगह में बैठने के लिए बाद में फिर जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ हो जाएगी। अभी जो आप लोग ये सारा खाली देख रहे हो ना, पूरा भर जाएगा, पूरा पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे। लाइट्स भी ऑन कर दी अब तो, एक्साइटमेंट हो रही इनकी, मेले में जाएंगे, क्या हो रहा है इनको, तिरंगा मैन और बोल डावर मैन। ये आया भाई तो तू और लड़ाई हो गई इनकी, लड़ाई होगी इनकी, बच्चे की लड़ाई होगी, मम्मी चढ़वा रही है, वो हो गई लड़ाई, बचाओ इनको कोई बचाओ। तैयारी हो चुकी है फोड़ने के लिए,
भीड़ बहुत हो रही है, आगे जाने की जगह भी नहीं है, इसलिए पीछे से मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी फैमिली के साथ आया हूँ, मेरी पीछे फैमिली पीछे। अब बच रहे हैं एक दो पुतले तो फूक चुके हैं। गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कम से कम हजारों की आदमियों की संख्या थी, हजारों की। बहुत भीड़ है मेले में, बहुत भीड़। ये रावण के पुतले गिरा रहे हैं। धन्यवाद सभी युवा साथियों का, और दादा मारू का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। सब लोग लकड़ी ले जा रहे हैं रावण के। धन्यवाद करता हूँ, अपना कीमती समय दिया, वो आए कम से कम एक घंटा उन्होंने हमें दिया गाँव के, और अपने फोटे राव साहब जी है वो सभी आप यहाँ आए सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे बकरू के भाई उन्होंने, और हमारे अजीत भाई बंसोर, हमारे सतोष प्रधान भाई, आप सभी का, अंकल जी हैं सारे भाई, आपने अपने सभी कार्य भारत संभाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भीम की घरवाली पहाड़ पर गया, भीम मोटर गेट का रावण के नौजवान साथी माताएं बहने, किसी भी भाई बंधु कभी भी ब्याह शादी पार्टी का धन्यवाद करूँगा, पर सरदार हमारे बड़े बहुत सहयोगी हैं। गाइस रावण का क्या हाल हो गया देख लो, अगर वो परमिशन नहीं देते तो इस ग्राउंड में पे। सो गाइज अब हम आ चुके हैं अपने घर, मैंने वहाँ पे वीडियो शूट करने की कोशिश करी थी, बट माइक में अनाउंसमेंट हो रही थी और जोर से शोर हो रहा था, तो इसलिए वहाँ पे कर नहीं पाया। मैंने दो तीन बार ट्राई किया, पर क्या कि माइक की जो स्पीकर की जो साउंड था वो रिकॉर्ड हो रहा था वीडियो में, इसलिए मैंने नहीं किया। सो आप लोग बताओ वीडियो देख के कि कैसी बनी वीडियो और मेला कैसा था, बिकॉज मेले में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा लेट गए इसलिए थोड़ी कम बनी, और अंधेरा भी हो रहा था, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जब मैंने आपको पहले दिखाया वीडियो में जब तो खाली ग्राउंड था, जब तो आगे गए थे हम, पर जब लास्ट में गए भीड़ होती ज़्यादा, आगे जा नहीं पाए थे, जब मैंने पीछे से वीडियो बनाई थी। सो गाइस तो मैं करता हूँ व्लॉग का एंड, उसके बाद एडिट करूँगा, फिर ये व्लॉग सुबह आएगा। आप लोग बताना कैसा बना ये वीडियो, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस।